गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई यूट्यूब चैनल। इन माई प्रीवियस वीडियो वी हैव रेड एंड सॉल्व सम क्वेश्चन आंसर्स ऑफ EVS क्लास 4 चैप्टर 7। नाउ टुडे वी विल रीड एंड सॉल्व द फर्दर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द सेम चैप्टर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने EVS क्लास 4th का चैप्टर 7, जिसका नाम है फ्रॉम द विंडो, उसको पढ़ा था और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन किया था। आज के इस वीडियो में हम इसको आगे पढ़ेंगे और इसके आगे क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन करेंगे। सो एवरीवन लुक एट द डेट एंड द टाइम शोज इन द वॉच। सबसे पहले आप सभी ये डेट देखेंगे, 17 मई। अभी कौन सा जो डे चल रहा है वो है 17 मई का डे है, 17 मई उसमें डेट है और उसमें टाइम हो रहा है 11:30। इसमें क्या हो रहा है, जो 11:30 AM हो रहा है, दिन का टाइम है ये। तो इसकी अभी जो ओ माबा है वो इनकी बात कर रही हैं। सो वो क्या बोलिए, द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग। वो बोले जो कुछ घंटे हैं वो मेरे लिए क्या थे, बहुत ही एक्साइटिंग वाले थे। मैं उसमें बहुत एक्साइटेड थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद आई क्लाइम ऑन टू द अपर बर्थ टू रीड माय कॉमिक्स। ब्रेकफास्ट करने के बाद में क्या हो गई, जो ट्रेन होती है उसमें सबसे नीचे लोअर बर्थ होती है, उसके बाद मिडिल, उसके बाद अपर। तो वो क्या बोल रहे हैं, ब्रेकफास्ट के बाद में अपर जो सबसे ऊपर वाली बर्थ थी वहां पर चली गई, और वहां पर किस लिए गई, कॉमिक्स पढ़ने के लिए, और वहां पर कॉमिक्स पढ़ी। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, उसमें क्या था, बाहर बहुत उजाला था और बहुत ही सुहावना मौसम था। सडनली एवरीथिंग बिकेम डार्क, तभी सब कुछ क्या हो गया, अंधकारमय हो गया, अंधेरा छा गया। इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड, और अंदर क्या महसूस होने लग गई, थोड़ी ठंड महसूस होने लग गई। आई वॉज एफ्रेड, मैं क्या हो गई थी, डर गई थी। देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन, तभी क्या हुआ, जो ट्रेन के अंदर की लाइट्स हैं वो सारी जल गई। अब दिन के समय क्या हो गई, ट्रेन के अंदर अंधेरा हो गया और लाइट्स जल गई। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क, मगर जब बाहर देखा तो बाहर क्या था, बहुत ही अंधेरा था। समबडी सैड, किसी ने क्या करा, कहा वी हैव एंटर्ड अ टनल, उन्होंने बोला हमने कहां प्रवेश कर लिया, कर चुके हैं हम टनल में, सुरंग में। दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन, तो उन्होंने क्या बोला, जो ये सुरंग है वो कहां से जाती है, जो पहाड़ है उसके अंदर से ये जाती है। द टनल सीम्ड टू गो ऑन एंड देन जस्ट एज सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन, तो ट्रेन क्या हुई, सुरंग में अंदर ही अंदर चल जाती रही और तभी क्या हुआ, अचानक हम कहां आ गए थे, डे लाइट दिन की रोशनी में आ गए दोबारा। आउटसाइड इट वॉज सनी, और फिर दोबारा से क्या था, बाहर मौसम बहुत सुहावना था, ब्राइट एंड ग्रीन, और क्या था, बाहर उजाला था और क्या था, हरा भरा हमें दिख रहा था। द ट्रेन हैज क्रॉस द टनल, जो ट्रेन थी वो जो टनल सुरंग थी उसको क्रॉस कर चुकी थी, पार कर चुकी थी। अप्पा एक्सप्लेन्ड दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, अप्पा ने मुझे समझाया कि हम अब क्या हो गया, हम जो पहाड़ था उसके दूसरी ओर, हम सुरंग से गुजर कर दूसरी ओर आ चुके हैं। सिंस देन वी हैव पास्ड थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स, तब तक हमने क्या, कितने टनल पार कर लिए थे, कितनी सुरंग पार कर ली थी, ऐसी 4, जैसे उन्होंने पहले सुरंग पार की ऐसी 4 टनल और पार कर ली थी। नाउ आई एम इंजॉइंग, अब मैं क्या कर रही थी, इंजॉय कर रही थी गोइंग थ्रू द टनल्स, टनल के अंदर जाते समय मुझे डर नहीं लग रहा था और मैं उसमें इंजॉय कर रही थी कि टनल के अंदर से गुजरते समय। सो दीज आर सम क्वेश्चन आंसर्स, हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, हाउ डिड यू फील, इसमें बोला कि क्या कभी आप सुरंग से गए हैं, और अगर गए हैं तो आपने कैसा महसूस किया है। सो द आंसर इज, आप सभी कभी ना कभी गए होंगे, अगर गए होंगे तो यस लिखिए, नहीं गए होंगे तो नो लिखिए। मैंने लिखा है यस, और क्या फील करते हैं तब, आई फेल्ट नर्वस, हम थोड़ा उसके अंदर जाके क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज अ टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स, व्हाई डू यू थिंक देयर आर सो मेनी ब्रिजेस एंड
टनल्स, इसमें बोला गया है कि जो रूट है, जो रास्ता है गोवा से केरला तक का, उसमें क्या है लगभग 2000 ब्रिजेस है, 2000 क्या है 2000 पुल हैं और 92 सुरंग हैं उसमें. व्हाई डू यू थिंक देयर आर सो मेनी ब्रिजेस एंड टनल्स? तो आप ऐसा, आपके विचार से ऐसा क्यों है कि वहां उस रूट पर बहुत सारे पुल हैं और बहुत सारी सुरंगें हैं? क्योंकि हमने ऐसा तो कहीं देखा नहीं कि इतने सारे ब्रिजेस और इतने सारे सुरंगों, तो इसका कोई कारण होगा. सो द आंसर इज द रूट इज फुल ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स. जो रास्ता है वो गोवा से केरला का, वो क्या है उसमें बहुत सारे क्या है नदियां हैं और माउंटेन्स है. तो नदियों को पार करने के लिए ब्रिजेस बनाए और माउंटेन्स को पार करने के लिए क्या बनाए हैं, टनल्स बनाए गए हैं. नेक्स्ट, Imagine and draw in your notebook what Omana saw under the bridge when her train crossed it. अभी आपने ये अपने मतलब ये इमेजिन करना है, ये महसूस करना है कि ओमावा जब ब्रिज से क्रॉस हुई होगी तो उसने नीचे क्या देखा होगा. तो उसका आपने क्या करना है, पिक्चर ड्रॉ करना है अपनी किसमें, नोटबुक में. सो यू कैन डू इट योर सेल्फ. एंड नेक्स्ट, इमेजिन इफ On the way, there had been no tunnels and bridges. How would Omana's train have crossed the mountains and rivers? अब ये महसूस करिए कि अगर रास्ते में कोई सुरंग भी नहीं होती और कोई पुल भी नहीं होता, तो जो Omana की जो ट्रेन है वो कैसे पहाड़ों को और नदियों को क्रॉस करती. So the answer is, the train cannot cross the mountains and rivers without tunnels and bridges. तो जो ट्रेन है वो जो पहाड़ और जो नदियां हैं उसको बिना सुरंग और बिना पुल के पार नहीं कर सकती है. अगर पुल नहीं होंगे और सुरंग नहीं होंगी, पुल नहीं होंगे तो नदियों को पार नहीं कर सकती है, और सुरंग नहीं होंगी तो एक माउंटेन को पार करके दूसरी तरफ वो नहीं जा सकती है. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली दिस पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर. सो यू विल read it again and write down the question answers in your fair notebook and send me the photos of your solutions. If the video is helpful to you, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.